स्टूडेंट्स टुडे विल स्टडी द टॉपिक दैट इज द नेचर ऑफ कार्बन एटम। और जो कार्बन एटम की नेचर है इट इज ऑफ द फोर टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी कार्बन एटम। दिस कैन ऑल्सो बी सेट टू बी नेचर ऑफ, हम कार्बन एटम भी बोल सकते हैं। तो पहले इसका मीनिंग समझेंगे, ठीक है ना। द मीनिंग ऑफ प्राइमरी कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन एटम वो कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू वन कार्बन एटम, एक कार्बन एटम से अटैच्ड होगा, और नो कार्बन एटम या किसी भी कार्बन एटम से अटैच नहीं होगा। दैट इज सेड टू बी द प्राइमरी कार्बन एटम। दिस इज द सिंबल ऑफ सेकेंडरी। वन डिग्री पहले बता दूं, वन डिग्री इज द सिंबल ऑफ प्राइमरी, टू डिग्री इज द सिंबल ऑफ सेकेंडरी, थ्री डिग्री इज द सिंबल ऑफ टर्शरी एंड फोर डिग्री इज द सिंबल ऑफ क्वार्टनरी कार्बन एटम। तो जो आपका सेकेंडरी कार्बन एटम है, जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, इट इज द कार्बन एटम दैट इज अटैच्ड टू टू अदर कार्बन एटम्स, दो कार्बन एटम से अटैच्ड होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली अगर बात करें टर्शरी कार्बन एटम और थ्री डिग्री कार्बन एटम की, सो इट इज द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू थ्री अदर कार्बन एटम, तीन अदर कार्बन एटम से अटैच्ड होगा। और अगर बात करें फोर डिग्री और क्वार्टनरी कार्बन एटम, सो बेटा ये कार्बन एटम दिस इज अटैच्ड टू फोर अदर कार्बन एटम्स, चार अलग कार्बन एटम से अटैच होगा। तो थोड़ा बहुत आपको क्लियर है, प्राइमरी वो कार्बन एटम जो एक या किसी भी कार्बन एटम से अटैच नहीं होगा, सेकेंडरी इट विल बी अटैच टू टू कार्बन एटम, टर्शरी थ्री कार्बन एटम एंड क्वार्टनरी फोर कार्बन एटम। नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस। अब बेटा इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, ये कार्बन एटम इट इज अटैच्ड टू वन कार्बन एटम, तो ये आपका प्राइमरी। ये कार्बन एटम तीन से अटैच्ड है, वन टू एंड थ्री, तो ये बेटा आपका टर्शरी कार्बन एटम। ये कार्बन एटम दो से अटैच्ड है, इट इज सेकेंडरी। ये कार्बन एटम चार से, वन टू थ्री फोर, क्वार्टनरी। ये कार्बन एटम दो से अटैच्ड है, सेकेंडरी। ये कार्बन एटम एक से अटैच्ड है, प्राइमरी। ये कार्बन एटम भी एक से अटैच्ड है, प्राइमरी। ये कार्बन एटम दो से अटैच्ड है, सेकेंडरी। और ये कार्बन एटम एक से अटैच्ड है, प्राइमरी। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, जस्ट सी आउट। CH3Cl। अब दिस कार्बन एटम इज प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी की दो डेफिनेशन थी, वो जो एक कार्बन से अटैच्ड हो या किसी भी कार्बन एटम से अटैच्ड ना हो। CH3, ये कार्बन एटम बेटा एक से अटैच्ड है, प्राइमरी कार्बन एटम। ये कार्बन एटम भी एक से अटैच्ड है, प्राइमरी कार्बन एटम। सिमिलरली CH3, CH2, CH3। अब ये कार्बन एटम एक से अटैच्ड है, प्राइमरी। दिस विल बी अटैच्ड बाय टू कार्बन एटम, सेकेंडरी। ये एक से अटैच्ड है, प्राइमरी। क्लियर? सो नाउ आई थिंक यू आर क्वाइट बिजी, यू कैन से फेमिलियर हाउ टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो इसी नेचर को हम रिंग कंपाउंड्स में भी चेक कर सकते हैं। जस्ट सी आउट, CH डबल बॉन्ड CH, चलिए अब इस कार्बन एटम को देखिए, ये बेटा दो से अटैच्ड है, सेकेंडरी। ये कार्बन एटम तीन से, वन टू थ्री, टर्शरी। ये कार्बन एक से अटैच्ड है, प्राइमरी। ये कार्बन एटम अगेन वन टू थ्री से अटैच्ड है, टर्शरी। ये बेटा दो से अटैच्ड है, सेकेंडरी। और ये एक से अटैच्ड है, प्राइमरी। नाउ दिस कार्बन इज अटैच्ड विद टू कार्बन एटम, सेकेंडरी। ये कार्बन भी दो से अटैच्ड है, सेकेंडरी। ये कार्बन एटम भी दो से अटैच्ड है,
सेकेंडरी. सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ कार्बन एटम. बी क्लियर, फोर टाइप की नेचर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी. अगर एक से अटैच्ड है या किसी से भी अटैच्ड नहीं, देन इट विल बी प्राइमरी. इफ इट इज अटैच्ड टू टू कार्बन एटम, सेकेंडरी. इफ इट इज अटैच्ड टू थ्री कार्बन एटम, टर्शियरी. एंड इफ इट इज एट टू फोर कार्बन एटम, इट इज एट टू बी द क्वार्टरनरी कार्बन एटम. सो दैट्स ऑल.